नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी का हमारे टाइम ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर राजेश बंसल जी का। सर, सबसे पहले हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत कुछ। हम राजेश बंसल जी से हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। उनका एक रुझान हमारे बच्चों के प्रति, हमारी युवा पीढ़ी के प्रति किस प्रकार का है, किस प्रकार का नज़रिया वो देश को बदलने के लिए अपना रखते हैं, इस तरह के प्रश्नों से हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सर, जैसे कि अभी आने वाले नए सत्र में हमारे बच्चे आने वाले हैं, स्टूडेंट्स आएंगे जो 12th पास आउट करेंगे, सर ऑल ओवर हरियाणा में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, ऐसे में सर बच्चे CDLU को ही क्यों चुने? एक तो जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको पहले तो जैसे प्लस टू की परीक्षाएं चल रही हैं तो उनके लिए उनको शुभकामनाएं। तो बच्चे जब कोई भी विश्वविद्यालय चुनते हैं वो एक तो उस विश्वविद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा विश्वविद्यालय हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करें तो अग्रणी विश्वविद्यालयों में है और साथ ही यहाँ की जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनती हैं। उन्होंने ना सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी में अपना एक स्थान बनाया है बल्कि रिसर्च के फील्ड में भी उनके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, नंबर ऑफ पेटेंट्स काफ़ी सराहनीय है। तो मैं विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले सत्र में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो लागू हो चुकी है हरियाणा में। उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 4-year प्रोग्राम्स होंगे विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि बच्चे को फैसिलिटी ये प्रोवाइड की जाएगी कि बच्चा अगर किसी को किसी समस्या आ जाती है और वो बीच में कोर्स छोड़ना चाहता है तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर खत्म होने पर उसको डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी। थर्ड ईयर खत्म होने पर उसको डिग्री दी जाएगी और फोर्थ ईयर एक तो होता है ऑनर्स डिग्री जैसे होती है कि स्पेशलाइजेशन के लिए होगा और एक होगा रिसर्च डिग्री का, जिसमें बच्चा अगर आगे PG और PhD में जाना चाहे तो वहाँ PG उसकी एक साल में हो जाएगी और वो कंटिन्यूस PhD में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो विश्वविद्यालय करने वाला है कि हम सब देखते हैं कि अभी क्यूरिकुलम भी रिवाइज हो रहे हैं और उसमें बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, उनको एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, उनको वोकेशनल कोर्सेज मैंडेटरी किए जाएंगे ताकि जब बच्चा ग्रेजुएट होके इस विश्वविद्यालय से निकले तो वो ना सिर्फ एम्प्लॉयबल हो लेकिन वो साथ में आत्मनिर्भर भी हो और वो अपना उद्योग या धंधा शुरू कर सके और लोगों को एम्प्लॉयबल बना सके। सर, जैसे आपने NEP की बात की, जैसे हमारे पिछले सेशन में नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे, क्या इस सेशन में भी कुछ कोर्सेज नए आने वाले? कुछ कोर्सेज नए आने की संभावना है, उस पर मंथन चल रहा है। एक दो महीने में क्लियर हो जाएगा कि वो जो कोर्सेज होंगे वो बच्चों की जरूरत इस एरिया को देखकर और इंडस्ट्री की जरूरत के अकॉर्डिंग। सर, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए कुछ नई योजनाएं जो यूनिवर्सिटी तैयार करने जा रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। नई योजनाएं तो बेसिकली तो देखो जो क्यूरिकुलम है बच्चों का वो LOC अब UGC की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को एक वोकेशनल कोर्स कम से कम एक साल में पढ़ना होगा, उसको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा और साथ ही हम एक चाहेंगे एक अर्न वाइल लर्न की स्कीम हमने शुरू की है। जो विद्यार्थी मतलब कि मेधावी होंगे और जिनको कोई आर्थिक समस्या होगी तो उनको हम ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। सर, एक हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है वो केवल पढ़ाई तक, सिर्फ किताबी ज्ञान तक ना सीमित रहकर हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज किस प्रकार की दी जा रही है और कितने प्रतिशत दी जा रही है? तो वही जो NEP 2020 का सबसे बड़ा फीचर है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ना सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि आपको इंडस्ट्रियल जो इंटर्नशिप का
उसमें प्रोविजन रखा गया है कि बच्चा एक साल में एक महीना, दो साल में दो महीने, तीन साल में तीन महीने जाकर इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा, तो वहाँ सारा प्रैक्टिकल ज्ञान ही उसको दिया जाएगा। सर, यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा उठाए जाने वाले कदम क्या कुछ किस प्रकार से रहे? जब हम ग्रेड की बात करते हैं तो उसमें पिछले 5 वर्षों का इवेल्युएशन होता है, तो यहाँ किसी वजह से जो पिछला ग्रेड हमारा कम रहा, जबकि हम बात करें पिछले 2 साल की जो इवेल्युएशन हुई उसमें हम A++ जा रहे थे, लेकिन पिछला रिकॉर्ड कुछ कम होने की वजह से हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके। लेकिन अभी हमने शुरू से ही नए साइकिल जो नैक का शुरू हुआ है, हर साल अब एक के ओईआर भरी जाएगी और हमने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले साइकिल में यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिल सके। सर, आने वाले समय में हमारी यूनिवर्सिटी को आपको किस स्थान पर देखना चाहते हैं? मैं फिलहाल तो अपनी यूनिवर्सिटी को भारत देश में पहली 50 यूनिवर्सिटी में देखना चाहूंगा आने वाले 3 साल में। सर, एक आज के समय में नशा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे जो संख्या देखी जा रही है वो सबसे ज्यादा यूथ की है सर, और युवाओं में युवाओं को नशे से बचाने के लिए किस प्रकार के कदम यूनिवर्सिटी उठा रही है? देखो, नशा बहुत ही खतरनाक चीज है जैसे हम सब जानते हैं, और नशे से युवा को बचाने के लिए हम उसमें पूरे समाज का योगदान चाहिए, जिसमें शिक्षा संस्थानों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम टाइम टू टाइम बच्चों को क्लासेस में, सेमिनार्स के दौरान, और सरकार द्वारा जैसे एक धाकड़ प्रोग्राम शुरू किया गया है उसके माध्यम से बच्चों को जागरूक करते हैं कि वो नशे से दूर रहे। और दूसरा जो बच्चे को नशे से दूर करने का विद्यार्थी को तरीका है वो ये है कि वो बिजी रहे सकारात्मक कार्यों में। तो जब हम उनको साथ में, आप आजकल आप देखते हो स्पोर्ट्स हैं, चाहे जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती एक्टिविटीज होती थी उनको अब सिलेबस का क्यूरिकुलम का मेन कंटेंट बना दिया गया है, उसके भी बच्चों को क्रेडिट मिलेंगे, तो बच्चों को उनमें बिजी रखा जाएगा। इसमें मैं आपको यह भी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि नेशनल लेवल पर जो यूथ फेस्टिवल बेंगलोर में हो रहा है, हमारी जो टीम गई थी उसमें 5 इवेंट्स में प्राइज जीते हैं। सर, एक बेरोजगारी है वो अब चरम सीमा पे दिखाई दे रही है सर, इसके बिंदु काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन युवाओं को आप बेरोजगारी से बचे रहने के लिए और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इसमें 2 बातें हैं, एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी, हाँ जी, और एक होता है सेल्फ डिपेंडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक तो जो एम्प्लॉयबिलिटी में और जॉब में स्किल गैप है, हमें उस स्किल गैप को भरना है, और NEP 2020 उस स्किल गैप को भरने में हमारी काफ़ी मदद करेगी। दूसरा, एक बच्चों को ये जागरूक भी करना है कि सरकारी नौकरियां पूरी नौकरियों का मात्र 2% हिस्सा है, तो वो ये अवश्य नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सके। तो हमें अपने आप को दूसरी जॉब्स के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की तरफ भी सोचना चाहिए, तो उसके लिए समय समय पर यूनिवर्सिटी सेमिनार्स और दूसरे प्रोग्राम कराती रहेगी ताकि बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। अभी मैं पढ़ रहा था कि सरसा के आसपास भी बहुत से गांवों से ऐसे एंटरप्रेन्योर हुए जिन्होंने स्टार्टअप में अच्छा नाम कमाया है। 3 बच्चे तो मैंने ऐसे पढ़े जो कि आपके डिजिटल मीडिया में ही चंडीगढ़ में भी रह रहे हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस विद्यार्थियों को सिर्फ उनके लिए तैयार करने के लिए और उसके लिए जागरूक करने का यूनिवर्सिटी कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ेगी। सर, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि भाई होली की जैसे अभी नजदीक आ रहा है सर होली का त्यौहार, उस पर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई शुभकामनाएं संदेश दें? सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यह होली सबके लिए बहुत ही शुभ हो और स्वस्थ भरी हो। साथ में मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि रंगों से खेलते हुए ये ध्यान रखें कि किसी के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचे, और साथ ही हुड़दंग देखो इस उम्र में होना चाहिए, लेकिन उस हुड़दंग में सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, तो वो सेल्फ कंट्रोल रखें। इसके साथ सबको होली की बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ
हम कुल सचिव महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और इतने अच्छे से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और हमें आशा है कि आने वाले समय में यकीनन जैसा हमारे कुल सचिव महोदय जी का सपना है कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रहे, आने वाले दिनों में यकीनन सर हम अपनी यूनिवर्सिटी को इन आपकी बताई हुई स्थान पर जरूर अवश्य देखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद एवं शुक्रिया।